मंगलगट्टी, तुम्हारी बेटी ससुराल में खुश तो है ना? हौदा मां। और खलीलुद्दीन, तुमने शराब पीनी छोड़ी कि नहीं? छोड़ दी सरकार, घर में दूसरा बच्चा आने वाला है, पीऊंगा तो उन सबको खिलाऊंगा कहां से। इस बार हम तुम्हारा यकीन कर लेते हैं। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ कान चोर निवाले हाजिर। अरे वहां सामान उतारो जा। क्या देख रही बीबी शमशान? ये कौन है? बड़े नवाब साहब। बड़े नवाब साहब मरूम, यानी बड़ी सरकार के? जी हो, बड़े सरकार ने जो टिम्बर फैक्ट्री लगाई थी उसे जैसे तैसे हम चलाते हैं। हम जानते हैं मरहूम बड़े नवाब साहब को यहाँ आने की फुर्सत नहीं थी। जो मशीना लगाए थे उसको मेंटेनेंस को पैसा नहीं मिला, मशीना बैठ पूरा हड़ताल कर दिए ना। ये बहुत बुरा हुआ जो इतने सारे मजदूर निकाल दिए गए। क्या इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं है? हमें काम चाहिए, हमें काम चाहिए, हमें काम चाहिए। ये भूख मजदूर हैं जिनको निकाल दिया गया। आपसे मिलना चाहते हैं। चलिए, वो हड़तालियां आते से बाहर हो जाएंगे सरकार, और फिर मैं छोटे सरकार को क्या मुंह दिखाऊंगा? आप हमारी फिक्र मत कीजिए, उन्हें आप ऐसे बाहर ही क्यों होने दिया जाए? तो मैं पुलिस को टेलीफोन कर दूं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं। आप हमारा मतलब गलत समझे। हम नहीं जानते थे पत्थर हाथ में लेकर बच्चे अपनी माँ से मिलने के लिए आते। हम तो तुमसे मिलने आए थे, तुम्हारी नाराजगी का सबब जानने आए थे। हमें काम से निकाल दिया गया है। तुम्हें काम की जरूरत नहीं, बल्कि काम को तुम्हारी जरूरत है। मैनेजर साहब ने जो कुछ भी किया वो उन्हें मजबूरन करना पड़ा। वो तो खुद हमसे तुम्हारी सिफारिश कर रहे थे, लेकिन आजर नवाब की गैर हाजिरी में वो और कुछ कर भी नहीं सकते थे। आजर नवाब कब आएंगे? हम कब तक भूखा मरेंगे? वो अभी नहीं आएंगे, लेकिन हम जो हैं यहाँ, तुम लोग भूखे नहीं रहोगे। कोई भी माँ अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकती। तुम लोग आज से ही काम पर चले आओ। फैक्ट्री में हमारे लिए काम नहीं है। ये तुमसे किसने कहा? आजर नवाब फैक्ट्री के ही काम से जर्मनी गए हैं। खुदा ने हमें इतना दिया है कि कुछ दिन तक हम अपने बच्चों को बिठाकर खिला सकें। फैक्ट्री में नई मशीनें आने पर पहले से भी ज्यादा काम बढ़ जाएगा, हमें पहले से भी ज्यादा मजदूरों की जरूरत होगी। आप हमारी माँ है। बड़ी सरकार, मजदूरों की तनख्वाह की रकम बहुत जास्ती हो जाएंगी। आइए सरकार। एमएन बीबी, आज हम बहुत थक गए हैं, आराम करेंगे। जी। डांडेली खूबसूरत जगह है, तुम चाहो तो घूम आना। जी। क्या बात है भस्मूर भाई, बहुत होश में है? क्या बोलना जी। बड़े सरकार। आइए मुंशी साहब। सरकार ये हैदराबाद को आया था, तार तो यहाँ भी जा रही है दफ्तर वाले। अनिल बीबी जरा देखना। आपकी सालगिरह पर मुबारकबादी का तार है। आसन नवाब का होगा। जी, जर्मनी से ही आया है।
सरकार नको थको सरकार, थोड़ा आराम कर लियो। आजर नवाब ने फैक्ट्री को जिंदा करने का बीड़ा उठाया है। उसकी गैर हाजिरी में अगर हम कुछ कर सकें तो हमें खुशी होगी। हाँ सरकार, मेरे को मालूम नहीं क्या, अल्लाह बड़े नवाब साहब को करवट करवट जन्नत नसीब करो। फकत फैक्ट्री का कौन बखड़ा करके छोड़ दिए थे, कभी आग को पलट को देखे तक नहीं। हाँ, उनकी दिलचस्पियां कुछ और थी। आयमन बीबी उनकी तस्वीर देखो, दांतों में उंगलियां दबा लिए। वो सोची होंगी वकार चंद और बड़े नवाब साहब दोनों भाइयां भाइयां हो को इतने अलग अलग कैसे होंगे। हाँ, बहुत फर्क था उन दोनों में। बड़े नवाब साहब अपनी माँ पर गए थे, मिजाज भी बहुत तीखा था उनका। और शमशाद कलम देना। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। कौन? हाँ? अजीब इत्तेफाक है, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। अंधेरे में भटकने वाले रंगों की नजाकत क्या समझेंगे आप? शायद हमारी पिछली मुलाकात का जिक्र कर रही हैं। देखिए, कसूर आप ही का था। एक हसीन लड़की सजी धजी अकेली मर्दाना हिस्से में आए तो वो यही सोच कर आती है कि उसके साथ कोई रोमांटिक वारदात होगी। मर्दाना हिस्सा? पर जब मैं वहां पहुंची तो वहां तो कोई भी नहीं था। तुम झूठ बोल रही। खैर साहब, हमारी पहली मुलाकात थी बड़ी दिलचस्प। तुम भी हमारी पहली मुलाकात भूले नहीं होगे। तुम्हारा ये मगरूर जबड़ा पत्थर का भी बना होता तो भी टूट जाता। दोबारा तजुर्बा करके देखना चाहोगी? मैं फ्रीस्टाइल तमाचे बांटती नहीं फिरती, वो तुम्हारी बदतमीजी का नतीजा था। मैं वो सब कुछ दोहराने को तैयार हूँ, लेकिन याद रहे इस बार ये तजुर्बा बहुत महंगा पड़ेगा। मैं नहीं जानती तुम कौन हो। पिछली बार तुमने बदतमीजी की, मैंने बड़ी सरकार से कुछ नहीं कहा, तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। इस बार मैं तुम्हारी शिकायत जरूर करूंगी। पिछली बार शिकायत क्यों नहीं की? जहां तक हो सके मैं अपने मामले खुद निपटाया करती हूँ। नाकाम तमाचे मारकर? मैंने नवाबजादों के आवारगी के किस्से सुने थे, इसीलिए खुद तजुर्बा करना चाहती। क्यों, कौन हो तुम? मैं जो कोई भी हूँ उससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। फिर किससे ताल्लुक है तुम्हारा? बड़ी सरकार से या उनके साहबजादे आजर नवाब से। आजर नवाब से? कब से है तुम्हारा ताल्लुक आजर नवाब से? ताल्लुक है, लेकिन वो ताल्लुक नहीं जो तुम्हारा गंदा जहन सोचता है। वो तुम जैसे लचर और बेहुदा नहीं है। ओ, फिर कैसे है? मैं उनसे तुम्हारी शिकायत करूं तो वो तुम्हारी तनी हुई गर्दन मरोड़ कर फेंक देंगे। ओहो, लिल्लाह, आप नवाब साहब को नहीं कहिएगा। आई एम सो सॉरी। आप ठीक तो हैं? आप वादा कीजिए कि आप नवाब साहब को कुछ नहीं बताएंगे। नहीं कहूंगी। ये आपकी पेंसिल। सुनिए। क्या है? नवाब साहब को मेरा सलाम कहिएगा। सुनिए। अब क्या है? बस यूं ही आपको दोबारा देखना था। ये भी उनसे मत कहिएगा। क्या बोल रही है अमन बीबी? था कोई गुंडा,
बिगड़े हुए लिबास। मैं तो बड़ी सरकार से शिकायत करूंगी। बड़े सरकार इस तो नाश्ते पे आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी चलो। अच्छा मैं ये रख के आती हूं। मेरे को दूर आप चलो, एक निवाले तक सुबह से मुंह में नहीं डाला। जाओ। तुम सवेरे काली नदी पर पेंटिंग के लिए गई थी? जी। उस समय चट्टाने, नदी, उसमें झलकते हुए पेड़ों का हरा रंग, चढ़ते हुए सूरज में निराले ही लग रहे थे। जब तुम्हारी तस्वीर पूरी हो जाए तो हम देखना चाहेंगे। जरूर दिखाऊंगी। सरकार, मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। हाँ हाँ कहो, क्या बात है, कोई शिकायत? जी, जिस सुबह जब मैं पेंटिंग कर रही थी तो हर दिल को सुनाते हैं।